आसोज सुदी 15 शरद पूर्णिमा विक्रम संवत 1991 22 अक्टूबर सन 1934 को टिकैत नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश की भव्य धरा पर जन्म हुआ स्वर्णिम व्यक्तित्व की धनी महान साध्वी भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का। सन 1952 में माता जी ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, जिसके साथ ही सन 1953 को महावीर जी अधिशय क्षेत्र राजस्थान में आचार्य रत्न श्री देश भूषण जी महाराज ने नाम दिया क्षुल्लिका वीरमती। धर्म के प्रति समर्पण, कठिन तपस्या एवं चर्या का पालन माता जी का मानो स्वभाव बन चुका था। परिणाम स्वरूप सन 1956 को माधुराजपुरा राजस्थान में चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के प्रथम पट्टाधीश आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की कर कमलों द्वारा आरिका दीक्षा धारण की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और माता जी के सानिध्य में कई कीर्तिमान स्थापित होते गए। माता जी ने अपने अध्ययन एवं धर्मसार को परिभाषित करते हुए कई साहित्य की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से अष्ट सहस्त्री, समय सार, नियम सार, मूलाचार, कातंत्र व्याकरण, षटखंडागम आदि ग्रंथों के अनुवाद, टीकाएं एवं लगभग 500 से अधिक ग्रंथों की रचना की। जिनकी आंखों में तेज दिखता है, जिनके सानिध्य में आने मात्र से सर्व सुख की अनुभूति होती है, ऐसी हमारी पूजनीय माता जी को किसी उपाधि की जरूरत नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों हेतु सन 1995 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा एवं 8 अप्रैल 2012 को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। माताजी के सानिध्य में कई तीर्थों का निर्माण हुआ, जिसमें विशेष रूप से हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, 3 लोक आदि रचनाएं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास एवं जीर्णोद्धार, प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली, तीर्थंकर जन्मभूमियों का विकास, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पर भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की 31-31 फुट की उत्तुंग खड़गासन प्रतिमा, मांगीतुंगी में ऋषभगिरी पर निर्मित 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा, कनॉट प्लेस दिल्ली में भरत ज्ञान स्थली तीर्थ, सम्मेद शिखर जी में आचार्य श्री शांति सागर धाम तीर्थ और न जाने कितनी, जिनका वर्णन कुछ क्षण के वीडियो में करना असंभव है। माताजी की प्रेरणा से कई विश्व स्तरीय महामहोत्सव भी आयोजित किए गए, जैसे पंचवर्षीय जम्बूद्वीप महामहोत्सव, भगवान ऋषभदेव अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव, अयोध्या में भगवान ऋषभदेव महाकुंभ महामस्तकाभिषेक, कुंडलपुर महोत्सव, दिल्ली में 24 कल्पद्रुम महामंडल विधान का ऐतिहासिक आयोजन, विशेष रूप से 21 दिसंबर 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल द्वारा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में एवं 22 अक्टूबर 2018 को वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद द्वारा मांगीतुंगी महाराष्ट्र में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का सूत्रपात हुआ था। माता जी की पावनकारी प्रेरणा से जैन गणित और त्रिलोक विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन, इतिहास सम्मेलन, न्यायाधीश सम्मेलन एवं अन्य अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार एवं इंटरनेट पर जैन इंसाइक्लोपीडिया निर्माण आदि का भव्य आयोजन किया गया, जिससे न जाने कितनों ने लाभ प्राप्त किया। राष्ट्रहित, धर्महित, जैन गाथा का प्रचार प्रसार करने हेतु माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से रथ प्रवर्तन किया गया। जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति सन 1982 से 1985, समवशरण श्री विहार सन 1998 से 2002, महावीर ज्योति 2003 से 2024, आचार्य श्री सम्मेद शिखर ज्योतिरथ 2014, भगवान ऋषभदेव विश्व शांति कलश यात्रा रथ मांगीतुंगी 2015 के 2 रथों का भारत भ्रमण और सन 2023 से 2024 में अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का भारत भ्रमण आदि। माता जी के सानिध्य में केवल धर्म ही नहीं अपितु विश्व भी उन्नति कर रहा है, तभी तो देश ही नहीं विदेशों से लोग माता जी के दर्शन हेतु पधारते हैं। नेता, अभिनेता सहित देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी माता जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। आज संपूर्ण विश्व परम पूज्य गणनीय आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस एवं 91वां जन्म जयंती महोत्सव, साथ ही साथ शरद पूर्णिमा महोत्सव मना रहा है। इस पावन अवसर पर हम सभी
माता जी के श्री चरणों में कोटिशय वंदन करते हैं। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है, सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है, शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु